और ये देखिए ये कितना खूबसूरत, ये रियो जिसे बोट लिटिल बोलते हैं, तो छोटे से छोटे बोतल में भी ये खूबसूरत प्लांट आप लगा सकते हैं। और ये देखिए ये खूबसूरत प्लांट रियो प्लांट है, और इसका लीफ देखिए पीछे पर्पल है और ये ग्रीन कलर में है। तो देखिए एक प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट इसमें तैयार कर लिए हैं, और देखिए कितना सारा प्लांट ये तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि, और ये प्लांट देख के आप समझ ही गए होंगे, बहुत लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर आउटडोर दोनों जगह रखने वाला ब्यूटीफुल ये रियो प्लांट है, और इसे बोट लिली भी बोलते हैं। तो देखिए मेरा ये प्लांट बहुत रूट बॉन्ड हो गया था, बहुत सारे इसमें रूट हो गए थे, और इसके साथ दो प्लांट लगे हुए थे। एक तो ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये क्रैनबेरी हिबिस्कस, और एक ही पॉट में दोनों था, तो मैंने आज इसे अलग अलग कर दिया, और इसे मैंने एक ये आटे की एक पॉली बैग थी उसमें मैंने लगा दिया, और ये मेरे पास बहुत सारा हो गया, कटिंग से मैंने बहुत सारे लगा लिए हैं, तो मैंने इसको इसमें कर दिया, और देखिए इसमें कलियां भी आने लगी हैं। तो बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है, कैनबेरी हिबिस्कस बहुत खूबसूरत विंटर का हिबिस्कस है। तो इसी पॉट में ये लगा हुआ था, तो आज देखिए मैं एक प्लांट से एक छोटे सा प्लांट लगा हुआ था, और इसमें कितने सारे प्लांट हो गए हैं, और इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती है, पीछे से ये पर्पल होता है और आगे से ये ग्रीन, और वेरीगेटेड वाला भी आता है इसमें। तो देखिए मैं ये इसमें से अलग अलग करके बहुत सारे प्लांट तैयार करूँगी, और इसको जब भी निकालें तो बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है ताकि इसके रूट ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, टूटे नहीं। और देखिए बहुत सारा एक साथ इसमें हो गए हैं, मेरे ख्याल से एक में एक ही मैंने लगाया था, और ये मेरी मम्मी के यहाँ लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसको अलग कर दो, तो ये मैं अलग कर रही हूँ। और देखिए इसके साथ कितने सारे, मेरे ख्याल से 20 से ऊपर इसमें प्लांट हैं, और अलग अलग करके मैं अलग अलग जगह लगाऊंगी, कुछ हैंगिंग बास्केट में भी लगाऊंगी, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी पत्तियां देख ही सकते हैं पर्पल ग्रीन में, कितना खूबसूरत शेड है, और ये नर्सरी में 50 से 80 के बीच में बहुत कॉस्टली मिलता है, तो हम एक बार नर्सरी से लाएंगे तो इसे अलग करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा पुराना ही गार्डन सॉइल है, इसमें देखिए कितनी वेल ड्रेन इसकी पोरस मिट्टी है, और पहले से इसमें गार्डन सॉइल कंपोस्ट और मिला हुआ है, और सैंड मिला हुआ है, देखिए कितना झरझर मिट्टी है इसकी, और इसमें से जो रूट है वो मैं सब अलग करके यही मिट्टी में उसमें फिल करके लगा दूंगी, और कुछ प्लांट मैं इसमें लगाऊंगी या कुछ अलग लगाऊंगी। तो सबसे पहले ये होल को किसी भी ठिकरी से ढकना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट मरने का डर रहता है, और होल को ढकना किसी चीज़ से भी ढक दीजिए, सूखे पत्ते से भी, कॉटन के कपड़े से भी ढक सकते हैं, और मैं यही मिट्टी फिल कर दूंगी। और मिट्टी को दबाना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि इसमें एयर नहीं बने, एयर बनने से ही होता है कि रूट सड़ने लगते हैं, रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। तो कुछ प्लांट मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और लगा दूंगी, और नीचे की पत्तियाँ ज़रूर हटा दें, कुछ पत्तियाँ मैं हटा देती हूँ, लेकिन मिट्टी में ये संपर्क में आने से सड़ने लगते हैं, तो नीचे की पत्तियाँ हटा के और मैं इसे एक एक करके साइड साइड से दबा दूँगी, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही प्लांट मैं इस गमले में लगाऊँगी, ज़्यादा बड़ा ये गमला नहीं है, और ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, चौड़ी हो तो इसके लिए रियो प्लांट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये फैलता है, तो फैलने चारों तरफ जब फैल जाता है, जब कवर कर लेता है तो खूबसूरत दिखता है, तो इसे आप हैंगिंग प्लांट में ज़रूर लगाएं, और छोटे छोटे बोतल में भी इसे लगा सकते हैं, बेकार से भी इसे ग्रो कर सकते हैं, कलर के बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने इसे फिल कर लिया है, और ये 4 प्लांट मैंने इसमें लगा रखा है, और भी ये सारे हैं, तो ये मैं किसी दूसरे चीज़ में लगाऊँगी। देखिए दबा था हल्के हल्के हाथों से मिट्टी हम दबा देंगे, तो बहुत सारा प्लांट तैयार हो गया मेरा, और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, और इसको हम पानी दे देंगे, और एक बार जब पहली बार दे तो फूल इसमें पानी दें,
उसके बाद मिट्टी देख के पानी दें और इसको कहीं ऐसे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, पूरे शेडी एरिया में नहीं रखेंगे, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं है वहाँ इसको रख देंगे और 10 से 15 दिन में ये पूरा सेट हो जाएगा और 1 मंथ में तो ये पूरा घना हो जाता है। ये मेरा दूसरा प्लांट है, तो वैसे ही 1-2 प्लांट लगाया था, आज देखिए ये कितना घना हो गया है। तो बहुत जल्दी घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर भी आता है, बोट की तरह इसमें इसमें फ्लावर आते हैं और पत्तियां तो खूबसूरत हैं ही। तो ऐसे छोटे से छोटे बोतल में आएंगी, प्लांटर में लगाएं, बहुत खूबसूरत दिखता है ये रियो प्लांट। तो होप ये शेयरिंग मेरी पसंद आएगी, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।